गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द ऑनलाइन क्लासेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड साइंस चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड, पार्ट सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू इंस्ट्रक्ट यू दैट द एक्सप्लेनेशन विल बी डन इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। ऑल्सो वॉट एवर वी आर डूइंग एंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इन द लेक्चर, यू हैव टू राइट इट डाउन इन अ फोर लाइन नोटबुक। यानी कि हम जो भी लेक्चर में पढ़ेंगे वो सारा का सारा आपको अपनी फोर लाइन नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट डाउन करना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नाउ स्टूडेंट्स, वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। स्टूडेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस पार्ट की कुछ चीज़ें दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था पैट एनिमल्स। पैट एनिमल्स यानी कि पालतू पशु, पालतू जानवर और पशु यानी कि जो एनिमल्स हम एक मेंबर की फैमिली, जो एनिमल्स हम घर में रख सकें और जो इन एनिमल्स को हम फैमिली मेंबर्स की तरह मान सकें, उनको हम पैट्स कहते हैं। पैट्स एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह मान सकें, जैसे कि कैट, डॉग एंड मैनी ऑफ देम एनिमल्स। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स को, जिन एनिमल्स को हम घर में रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, पैट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में डिफरेंस क्या है? पैट को हम फैमिली मेंबर की तरह रखें, बट डोमेस्टिक को फैमिली मेंबर की तरह ज़रूरी नहीं है। जिनको हम घर में रख सकें, जैसे कि काओ, बफेलो एंड मैनी ऑफ देम। सो एक काओ बफेलो एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, क्योंकि ये हमें दूध देते हैं, हम इनको मिल्च एनिमल्स भी कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। वी कैन सी देम इन जू एंड ऑन टीवी स्क्रीन। हम जंगली जानवर को कहाँ कहाँ देखते हैं? हम जंगली जानवरों को सिर्फ जू में देखते हैं, जू में। जू एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अलग अलग जंगली जानवरों को, शेर, चीता, टाइगर, लायन, ये सबको पिंजरे में एक कैप्ट करके रखा जाता है, उसको हम जू कहते हैं। जू में लोग जाते हैं एनिमल्स को देखने। सो हम कहाँ कहाँ देखते हैं इन जंगली जानवरों को? हम इन जंगली जानवरों को जू में देखते हैं ऑन टीवी स्क्रीन में। टीवी स्क्रीन में डिस्कवरी टाइप के चैनल्स आते हैं, उसमें इन सब के बारे में बताया जाता है। दीज एनिमल्स आर फाउंड इन जंगल्स। ये एनिमल्स मोस्टली जंगल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा लायन गलियों में तो नहीं घूमते हैं, वो जंगल में होते हैं। टाइगर, बियर यानी कि भालू, एलिफेंट, ये सब मोस्टली जंगल में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में। दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स, सो इन्हें ही हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल जंगल में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जंगली जानवर। जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं एकदम फैमिली मेंबर की तरह, उन्हें हम कहते हैं पैट एनिमल्स। और जो एनिमल्स हमारे घर में रहते हैं बट नॉट एज फैमिली मेंबर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। नाउ वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं। सम वाइल्ड एनिमल्स आर वेरी बिग। कुछ वाइल्ड एनिमल्स तो बहुत बड़े होते हैं। सो हियर आर सिक्स पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फर्स्ट वन इज लाइन। लाइन, शेर, शेर जंगल में मिलता है और कहीं कहीं जू में भी कैप्ट करके रखा जाता है। हमने शेर को मोस्टली टीवी स्क्रीन पर ही देखा होगा। ओके, सो ये वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जानवर है, ये जंगलों में ही मिलता है। सेकेंड वन इज़ टाइगर यानी कि बाघ। थर्ड वन इज़ बियर यानी कि भालू। वाइल्ड एनिमल है, ये भी जंगली जानवर है, ये जंगलों में ही मिलते हैं। जिराफ, जिराफ आपने यहाँ कहीं नहीं देखा होगा, मोस्टली टीवी स्क्रीन पे देखा होगा या फिर ये फॉरेस्ट में मिलते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट भी जंगली जानवरों की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये मोस्टली फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हाँ, कुछ एलिफेंट इस टाइप के ज़रूरी नहीं है फॉरेस्ट में, बट ये कैटेगरी वाइल्ड एनिमल की है। ओके, ज़ेब्रा वाइल्ड एनिमल। वी सी मैनी एनिमल्स इन द जू, दे आर कैप्ट इन देयर केजेस। हमने जू में बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, वो अपनी अपनी केजेस यानी कि एक तरह की गुफा टाइप या फिर एक तरह का पिंजरा, उसमें बंद होते हैं। जू में हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं जो अपने अपने पिंजरों में बंद होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, मोस्टली ये सबको एक पिंजरे टाइप के में बंद करके रखा जाता है। जैसे कि डियर, डियर यानी कि हिरन, फॉक्स, लोमड़ी, जैकाल, गीदड़, स्नेक, सांप, लियोपार्ड, लेपर्ड एंड पॉर्क्यूपाइन।
स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पॉर्क्यूपाइन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये पॉर्क्यूपाइन एक टाइप का रैट होता है, यानी कि चूहा, जिसके पूरे बॉडी पर बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, कांटे टाइप के बाल होते हैं। कभी कभी ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन कांटे टाइप के बालों को फेंकता है, जिससे इसकी प्रोटेक्शन होती है। सो ये पॉर्क्यूपाइन थोड़ा डिफरेंट नेम है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बता दिया है। सो ये एनिमल्स को, इस टाइप के एनिमल्स को जू में केजेस यानी कि पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। स्नेक आपने भी देखा होगा, मोस्टली यहाँ गलियों में भी आता है, बट ये जू में भी होते हैं। डियर, फॉक्स यानी लोमड़ी, जैकल यानी गीदड़, लियोपार्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हमने क्या पढ़ा? वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी पढ़ी। उसमें वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स बड़े होते हैं और बहुत ही कुछ वाइल्ड एनिमल्स छोटे होते हैं। बड़े की कैटेगरी में हम एलिफेंट को भी ले सकते हैं और छोटे की कैटेगरी में और हैं, बट लाइन टाइगर छोटे की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो सम एनिमल्स लाइक पॉर्क्यूपाइन एंड फॉक्स आर स्मॉल। स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स छोटे की कैटेगरी में जंगली जानवरों में कौन आता है? पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एक इस टाइप का रैट होता है जो अपने उसकी बॉडी पूरी कवर्ड होती है स्पाइक्स से, जो अपने प्रोटेक्शन के लिए उन स्पाइक्स को छोड़ता है। एंड फॉक्स यानी कि लोमड़ी। सो ये फॉक्स एंड पॉर्क्यूपाइन ही क्या है? स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं और बिग वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर ये सभी आते हैं।